आंध्र प्रदेश में एनडीए की बड़ी रैली, मंच पर पीएम मोदी के साथ नजर आ चंद्रबाबू नायडू। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 4 जून को 400 पार का लगाया नारा। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम का पहला जन संबोधन, पलनाडु जिले में पीएम की रैली के लिए जुटी भारी भीड़। कई साल बाद यह पहला मौका है जब आंध्र प्रदेश में एनडीए सहयोगियों की इस तरह की पहली सार्वजनिक रैली हो रही है। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी हुए शामिल। दक्षिण में एनडीए दिखा रही अपनी पूरी ताकत। रैली मिल रहे अपार जनसमर्थन से एनडीए गदगद, चंद्रबाबू नायडू के निशाने पर रहे विपक्षी दल। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बदली मतगणना की तारीख, अब 2 जून को होगी वोटों की गिनती। दोनों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को हो रहा है खत्म, पहले 4 जून थी गिनती की तारीख। चुनाव आयोग ने इन दो राज्यों सहित कुल 4 राज्यों में एक साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया है। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में काउंटिंग लोकसभा चुनावों की काउंटिंग के साथ 4 जून को ही होगी। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है, वहीं सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार है। अगस्त क्रांति मैदान से राहुल गांधी ने निकाली पदयात्रा, बहन प्रियंका भी साथ में रही मौजूद। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो नया यात्रा के साथ 63 दिन में 6,700 किलोमीटर का सफर किया तय। 14 जनवरी को मणिपुर से नया यात्रा हुई थी शुरू। राहुल गांधी ने नया यात्रा के समापन में पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी और सीबीआई में है। मुंबई में खत्म हुई राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अखिलेश यादव नहीं हुए शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर बोले तेजस्वी, बिहार में हमारे चाचा को किया गया हाईजैक। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र में राहुल गांधी की रैली पर किया जोरदार हमला, कहा यह सब कुछ नहीं, सब फोटो सेशन करने जाते हैं। लातूर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर विधायक और सांसद के कार्यक्रम में आंदोलनकर्ताओं ने की नारेबाजी, 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एआईएडीएमके को चुनावी बॉन्ड से मिले 6,05,00,000 रुपए, सबसे ज्यादा चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया चंदा। मनाली में बर्फबारी का पर्यटक जमकर ले रहे आनंद, पर्यटकों की मस्ती की तस्वीरें आई सामने। वाशिम के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, कई पेड़ जमीन से उखड़े, किसानों की संतरा गेहूं और कई फसलों को हुआ भारी नुकसान। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को नवा समन, ईडी ने 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली की जल बोर्ड से जुड़े मामले में भी केजरीवाल को ईडी का समन, कल होगी पूछताछ। ईडी की नियत पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल, कहा इनका मकसद जांच करना नहीं, केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। तो ये साफ दिखाता है कि उनका मकसद जांच नहीं है, उनका मकसद न्याय नहीं है, उनका मकसद सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। आम आदमी पार्टी ने ईडी पर लगाए आरोप, कहा फर्जी मामले में केजरीवाल को किया गया तलब। ईडी के मामले पर बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल का किया घेराव, सीएम केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचारी। देखिए, मैं मानता हूं कि अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भी मान चुकी है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की नैतिकता पर भी उठाए सवाल, कहा करोड़ों की गाड़ी और बंगले से निकलकर ईडी का जवाब दें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, कहा विपक्ष सच्चा है तो जनता को यकीन दिलाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया वीडियो, कनेक्टेड रहना है इंडिया को, इसलिए पहला वोट मोदी को दिया संदेश। अरे हमारे वंडर वुमन मोदी ने थोड़ी, तूने ही तो 5G लगवाया जंगल में।
कनेक्टेड रहना है इंडिया को, इसीलिए पहला वोट मोदी को। 12 दिनों से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक, -10 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे बिता रहे दिन, लोगों से की जुड़े रहने की अपील। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में आया लखनऊ प्रशासन, बैनर पोस्टर उतारे गए। औरंगाबाद में भी चुनाव आचार संहिता को लेकर प्रशासन सख्त, 7,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ धारा 107 की कार्रवाई। पणजी में सीएम सावंत ने मनोहर पर्रिकर को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन, लोगों के बीच बांटे पौधे। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि आज, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा स्थानीय यादवों पर उन्हें नहीं है भरोसा। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने मायावती को घेरा, कहा वो कितने भी मुस्लिमों को टिकट दे दे, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इटावा में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा पेयजल योजना पर खर्च हुए करोड़ों रुपए, ना टंकी बनी है ना पानी आया है। दिल्ली में हिंदू सेना ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ लगाए पोस्टर बैनर, कहा विपक्षी नेताओं को बताया सीएए कानून का विरोधी। भारतीय नेवी ने 35 समुद्री डाकुओं को हिरासत में लिया, मरीन कमांडोज और डाकुओं के बीच हुई थी मुठभेड़। दिल्ली में होली उत्सव के लिए रहेगा अनुकूल मौसम, साफ आसमान और हल्के तापमान का अनुमान। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली के लिए पुलिस का सुरक्षा चक्र तैयार, 150 स्थान पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस की नजर। श्रीनगर में युवाओं ने बनाए बॉलीवुड स्तर के कश्मीरी वीडियो एल्बम, इन युवाओं के कारण कश्मीरी संगीत उद्योग में हो रही बढ़ोतरी। करनाल में एक शख्स ने अपने शरीर पर 200 से ज्यादा शहीदों के नाम, हर जिले में जाकर प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर कर रहे भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग। फतेहपुर में नन्हे रसियों ने बांसुरी बजाकर किया फागोत्सव का आगाज, फाग के गीत ने जमाया रंग। अनिल अंबानी ने सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान जी के किए दर्शन, साथ में उनकी मां कोकिलाबेन भी रही मौजूद। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स एक बार फिर बने माता पिता, तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के रायसेन में रमजान को लेकर अनोखी परंपरा, किले से तोप की गर्जना के साथ रोजा खोलता है मुस्लिम समाज। पुंछ में ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने की पहल, रंगो रौनक के साथ स्मारकों में की जा रही लाइटिंग से सजावट। चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स की टीम ने अपनी नई जर्सी की लॉन्च, रेड टी शर्ट के साथ पीले ट्राउजर का कॉम्बिनेशन। अयोध्या में जैन संत आचार्य लोकेश मुनि ने किए रामलला के दर्शन, रामलला के दर्शन कर दिखे उत्साहित। बिजनौर में युवक कर रहा पॉली फार्मिंग, उगा रहे शिमला मिर्च और खीरे, युवक की हो रही अच्छी कमाई। मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार में नन्हे मेहमान के आने से घर में जश्न का माहौल, महिलाओं ने किया गिद्दा। बठिंडा में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने मूसेवाला परिवार को दी बधाई, बांटी मिठाइयां। फतेहपुर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों को करवाया सुरक्षा का एहसास। झालावाड़ में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा होली का खुमार, होली से पहले हुई उत्सव की परिक्रमा, लोगों ने खेली गुलाल की होली। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा ऑफिस का किया उद्घाटन, पूजा पाठ कर हुआ ऑफिस का शुभारंभ। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैंपेन ऑफिस का किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया चुनाव प्रचार। रेव पार्टी में सांपों का जहर इस्तेमाल करने के मामले में एल्विश यादव हुए गिरफ्तार, पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, एल्विश को ले जाया गया लुक्सर जेल। बादीपोरा में बर्फबारी से में फंसे सैलानियों का हुआ रेस्क्यू, सभी को जिला प्रशासन ने किया एयरलिफ्ट।
अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी, बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। रामनवमी को लेकर भी अयोध्या में तैयारियां तेज, होंगे कई बड़े आयोजन। भागलपुर में नए एयरपोर्ट के लिए कैबिनेट की मंजूरी, 6000 फीट के रनवे और टर्मिनल भवन के लिए जमीन चयन का प्रस्ताव मंजूर। अरुणाचल प्रदेश में पहली ऑयल पाम इकाई शुरू, स्थानीय लोग उत्साहित। विकासनगर में महिला के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ टीम, शक्ति नहर में आत्महत्या के लिए कूदी महिला को जिंदा निकाला। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व एमएलसी अमृष पद्विनी थामा शिंदे गुट का दामन, सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में दिलाई पार्टी की सदस्यता। जयपुर में जांगिड़ सुथर समाज ने सीएम भजनलाल शर्मा से की मुलाकात, सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। जालंधर में पुलिस ने कई रेस्टोरेंट होटलों और बार पर की छापेमारी, पुलिस ने कई जगहों पर पकड़ा हुक्का। हरिद्वार में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की गंगा मां की पूजा, साथ ही ब्रह्मकुंड के भी किए दर्शन। भिवानी में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर ने शुरू किया चुनाव प्रचार, बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ की बैठक। बंगाल के राज्यपाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों से सीधे जुड़ने के लिए किया गया लोकसभा पोर्टल लॉन्च। लीची के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर के किसान शहद से भी कर रहे दोगुनी कमाई, लीची के पराग से बनी शहद की अच्छी डिमांड। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीएमजी रोड का निर्माण कार्य शुरू, प्रशासन ने लोगों से निर्माण कार्य से दूर रहने की अपील की। बेंगलुरु में हजारों लोगों ने मतदान जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया, वॉकथॉन का आयोजन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कराया गया। मुंबई पुलिस एसटीएफ ने एक ड्रग फैक्ट्री पर की छापेमारी, लगभग 30 करोड़ की सिंथेटिक ड्रग्स और कच्चा माल सहित दो लोगों को किया गिरफ्तार।